नमस्कार। स्तोत्र साहित्य संस्कृत वाङ्मय में एक अनूठी काव्य विधा है। स्तोत्रों की दृष्टि से संस्कृत का साहित्य विश्व में सबसे संपन्न साहित्य भी कहा जा सकता है। वैदिक काल से लगाकर आधुनिक काल तक लाखों की संख्या में स्तोत्र काव्य संस्कृत में लिखे गए और लिखे जाते रहे हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं। अनेक प्राचीन स्तोत्र ऐसे हैं जिनका की रचना काल विदित नहीं है, उनके रचनाकार का नाम भी विदित नहीं है। कुछ जिनके साथ रचनाकार का नाम मिलता है, वे रचनाकार के नाम मिलते हैं, वे पौराणिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। दुर्वासा ऋषि के नाम से त्रिपुरा महिमा स्तोत्र, मानस पुजारिया पद्धति और ललिता स्तव रत्न, ये तीन स्तोत्र छपे हुए हैं। अद्भुत स्तोत्र हैं, अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले ये स्तोत्र हैं। रावण के नाम से भी कुछ स्तोत्र मिलते हैं। शिवस्तुति और शिवतांडव स्तोत्र प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण के पुत्र सांब के द्वारा रचा गया सांब पंचाशिका सूर्य की स्तुति का सुंदर स्तोत्र है। यह पौराणिक व्यक्तित्व हैं जिनके नाम से स्तोत्र काव्य संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। स्तोत्र काव्य में दिव्य चेतना का अवतरण होता है धरती पर, मर्त्य में अमर्त्य का अवतरण होता है और दिव्यत्व का आधान मनुष्य में होता है। भक्ति भाव इनकी मुख्य भाव भूमि है। भक्ति का अर्थ देवता से एकाकार होना, देवता के साथ एक ही भाव है। समर्पण भी भक्ति का एक पक्ष है, पर उससे बढ़कर देवतामय हो जाना, यही सच्ची भक्ति है। महार्थ मंजरी प्रसिद्ध ग्रंथ है शैव शास्त्र का। उसमें भक्ति का स्वरूप बताते हुए कहा गया, न पाद पतनम भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः, भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकी भाव भावनम। चरणों पर गिरना, बार बार देवता के पैर पकड़कर नाक रगड़ना, ये भक्ति नहीं है। परमेश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, हमारे भीतर भी वह है, तो उसके इस भाव में एक ही भाव हो जाना ही भक्ति है। पूजा भी यही है, वास्तविक पूजा भी यही है। यही रेव पूज्यते द्रव्य स्तर्प्यते वा परात्पर, यश्चैव पूजक सर्व स एवेक क्व पूजनम। जिन द्रव्यों से पूजा हम कर रहे हैं, अक्षत, रोली, अगरबत्ती आदि, जिनको पूजा में अर्पित कर रहे हैं, उनमें भी ईश्वर, और जो पूजा करने वाला है यश्चैव पूजक सर्व, वह भी ईश्वरमय है। तो किससे किसका पूजन करना, विज्ञान भैरव में कहा गया, प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है। ध्यायास ध्यानायास तिरस्कार सिद्धस्तत्स्पर्शनोत्सव पूजा विधि रीति ख्यातो भक्तानाम स सदास्तु में, शिव स्तोत्रावली में पट्टनारायण कहते हैं कि ध्यान में जो द्वैत बना करके और आयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, उसको छोड़ करके, उसका तिरस्कार करके और तुम में ही मैं लीन हो जाता हूँ, तुम्हारा स्पर्श प्राप्त करके मैं तन्मय होता हूँ, यही मेरे लिए पूजा विधि है। तो निर्विकल्पे महाव्योमनि सा पूजा यादरालय, निर्विकल्प के महाव्योम में विलीन होना, यह मेरे लिए पूजा है। आत्मा तुम गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते वचनोपचार रचना निद्रा समाधि स्थिति। शंकराचार्य कहते हैं कि आप मेरी आत्मा हैं, शिव से कहते हैं आप मेरी आत्मा हैं, गिरिजा मेरी मति है, आपके जितने सहचर हैं गण हैं वो मेरे प्राण, शरीर आपका, मेरा जो शरीर है वो आपका घर। पूजा ते वचनोपचार रचना,
जो कुछ भी मैं कहता हूँ, मेरी सारी वाणी आपकी पूजा, आपके लिए स्तोत्र। निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं सोता हूँ वही आप में मेरी समाधि है। शास्त्राणि सर्वाग्रह, जो कुछ मैं बोलता हूँ वही शास्त्र शिव का। यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, जो कुछ कर्म मैं करता हूँ वह सब आपकी पूजा। सारा जीवन ही ईश्वर की पूजा और ईश्वर की भक्ति, जब हो जाता है वही भक्ति, वही सच्ची पूजा हुआ करती है। हम कुछ ऐसे स्तोत्रों की चर्चा करेंगे जो उपेक्षित प्राय हैं या अल्पज्ञात हैं, कम जाने जाते हैं, और शिव के संदर्भ में उन स्तोत्रों पर हम बात करेंगे। शिव के कतिपय स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, शिव तांडव स्तोत्र जिसकी चर्चा हमने की, शिव महिमना स्तोत्र वह भी बहुत प्रसिद्ध है। ये इनका पाठ किया जाता है, पढ़े जाते हैं, इनसे इनके शिव तांडव स्तोत्र पर नृत्य भी किया जाता है। पर कुछ अन्य स्तोत्र हैं जो चेतना की जिन ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, जहां पर सारे ग्रह नक्षत्र चैतन्य के आकाश में भासित होते हैं, उन पर बात करना मैं चाहता हूं। शिव तांडव स्तोत्र में शब्दों की झनकार है, अर्थ की ऊंचाइयां, अर्थ की उदात्तता वैसी नहीं है। धगत 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 जलल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम, फड़कती हुई शब्दावली। उसको आप सुनते रहिए और मगन होइए उस शब्दावली पर। अर्थ पूछिएगा तो क्या है, आपकी आंखों में जो लपटे निकल रही हैं और धक धक ज्वाला जल रही है, ऐसे शिव आप हैं, उसमें मेरी भक्ति बनी रहे, इतना ही कहा है। उसकी अपेक्षा शिव महिमना स्तोत्र उसमें भाव और अर्थ की भी उदात्तता और गंभीरता है, शब्दों का भी वैसा ही सौंदर्य है। पर अध्यात्म की वो ऊंचाइयां जो हम कुछ स्तोत्रों में पाते हैं, वो इन दोनों में नहीं है। कश्मीर में जो स्तोत्र लिखे गए, कश्मीर में चूंकि शैव शास्त्र, शैव दर्शन का विकास हुआ ईसा की पहली शताब्दी से लगाकर 12वीं-13वीं शताब्दी तक, अभूतपूर्व धारा दार्शनिकों की, कवियों की, सूफी कवियों की संस्कृत में जो कश्मीर में विकसित होती रही, वह अद्वितीय परंपरा वहां की है। और उस परंपरा में कतिपय स्तोत्र लिखे गए, उनमें से एक स्तोत्र भट्ट नारायण का स्तव चिंतामणि है। भट्ट नारायण का समय 8वीं शताब्दी के आसपास है, और क्षेमराज एक शैव दार्शनिक हुए कश्मीर में ही, उन्होंने स्तव चिंतामणि जो भट्ट नारायण का है उस पर वृत्ति लिखी है। अभिनव गुप्त ने भट्ट नारायण का उल्लेख किया है, मम्मट ने काव्य प्रकाश में उद्धृत इनको किया है, अभिनव गुप्त ने इनको उद्धृत किया है, और अभिनव गुप्त ने उनका यह पद्य उद्धृत किया है। त्रैलोक्येऽप्यत्र यो यावान् आनन्दः कश्चिदीक्षते सबिन्दुर्यस्य तं वन्दे देवमानन्द सागरम्। त्रैलोक्येऽपि अत्र यो यावान् आनन्दः कश्चिदीक्षते, त्रिलोकी में, निखिल विश्व में, तीनों लोकों में जितना जो कुछ आनंद है, वह जिस आनंद सागर शिव का एक बिंदु मात्र है, उनकी मैं वंदना करता हूं। ये जो एक वैश्विक बिंब विधान आरंभ होता है इन स्तोत्रों में, वह संस्कृत साहित्य की, स्तोत्र साहित्य की बड़ी उपलब्धि है। छोटा दायरा नहीं है, केवल विश्व नहीं, केवल एक विश्व नहीं, त्रिलोक, केवल त्रिलोक नहीं, उससे बढ़कर के भी ऐसा महा आनंद का सागर परमात्मा परात्पर चेतना है, जिसमें सारे त्रिलोक का जो आनंद है वह उसकी एक बूंद मात्र, वह आनंद त्रिलोक का भासता है। तो यह एक जो विराट वैश्विक बिंब है, कॉस्मिक इमेजरी है, वह इनमें उभरती है। तो चेतना इतनी विराट होती है जहाँ इन स्तोत्रों में, वह उनमें से एक भट्ट नारायण का स्तव चिंतामणि मणि है। उसका तीसरा श्लोक हम लेते हैं। प्रसरद बिंदुनादाय शुद्धामृत मयात्मने नमो अनंत प्रकाशाय शंकर क्षीर सिंधवे।
कितनी साफ पारदर्शी चमकती हुई भाषा है। कोई बाजीगरी का काम नहीं, कोई खेल खिलवाड़ नहीं करना। हृदय से जिस ऊंचाइयों पर अध्यात्म के पहुंचा हुआ है कवि, वहां से सीधे शब्दावली आती है। प्रसरत बिंदु नादाय, बिंदु और नाद जिनमें से फूट रहे हैं, ऐसे शुद्धामृतमय आत्मने, शुद्ध अमृतमय आत्मा जिनका स्वरूप है, ऐसे अनंत प्रकाश आए, अनंत प्रकाश वाले शंकर क्षीर सिंधवे नमः। शंकर रूपी क्षीर सिंधु को नमन है। इसमें कश्मीर में जो शैव दर्शन की परंपरा है, उसकी जो शब्दावली है वह है, कभी उससे परिचित है। बिंदु और नाद ये शंकर के ही रूप हैं, नाद बिंदु कला तीत उनको कहा गया है। तो ये शंकर जो षडविद शिव स्वरूप बताया गया है उसमें, भुवनम विग्रहो ज्योति खम शब्दो मंत्र एवच बिंदु नाद संभिन्न, ये तंत्रालोक में शिव का स्वरूप जो बताया गया। तो बिंदु और नाद भी उन्हीं के रूप हैं। तो बिंदु और नाद का जिसमें प्रसार हो रहा है, ऐसे शंकर रूपी क्षीर सागर, शंकर रूपी क्षीर सागर कहने से रूपक अलंकार होता है, बिंदु और नाद में श्लेष हो जाता है, क्योंकि सागर में भी बिंदु है और नाद है। सागर की लहरें गर्जन करती हैं, तट से टकराती हैं, तो नाद स्वर उठता है और बिंदु तो जल की बूंदों से सागर बना ही है। तो बिंदु और नाद का प्रसार जिसमें हो रहा है, ऐसा क्षीर सागर, और शंकर बिंदु और नाद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे शंकर, ये दोनों के लिए श्लेष दोनों अर्थ लागू होते हैं। ऐसे अनंत प्रकाश वाले शंकर को मैं नमन करता हूँ। इसके बाद उत्पल देव कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा में बड़े दार्शनिक हैं। उनका ईश्वर प्रतिभिज्ञा ग्रंथ, ईश्वर की पहचान, ईश्वर को स्वयं जो सामने देखते हुए लिख रहा है, इस तरह का वो ग्रंथ है। उसको पढ़ते हुए लगता है कि जैसे ईश्वर को सामने देख रहे हों और लिख रहे हों। वो शब्दावली उतनी ऊंचाइयों पर जाती है। वो दार्शनिक भाषा में ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हैं। शैव दर्शन के ये ग्रंथ विदेशों में अब पढ़े जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनके बड़े जानकार प्रोफेसर हैं। भारत में बहुत उपेक्षित ये महान दार्शनिक हमारे हैं, जिन्होंने सचमुच में अद्वैत क्या होता है ये बताया कि वास्तव में अद्वैत ये है। वो अद्वैत नहीं है जिसमें विवर्त बनता है और जगत की व्यवहारिक सत्ता अलग है, पारमार्थिक सत्ता अलग है। तो आप व्यवहारिक सत्ता में तो द्वैत पर रहते हैं, फिर परमार्थ में चले जाते हैं तो अद्वैत पर रहते हैं। तो ये दोहरा जीवन आप जीते हैं। वो कहते हैं कि ये दोहरा जीवन नहीं, ये विवर्त नहीं बनता। शिव ही समाये हुए हैं एक एक कण में, तो फिर कहाँ से विवर्त होगा? कहाँ से शुक्ति में रजत की आभास की तरह जगत आभास मात्र एक मिथ्या बन जाएगा? जिसमें कणकण में शिव या ईश्वर रमा हुआ है, वो मिथ्या कैसे होगा? तो व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थ की दृष्टि से मिथ्या ये हम नहीं कहते, ऐसा शिव दार्शनिक बताते हैं। उसी अनुभूति से वो कविता भी लिखते हैं, उसी अनुभूति से स्तुति स्तोत्र का भी लिखते हैं। वो एक ही भाव जो भक्ति में वास्तव में होना चाहिए, उसके अनुभव के साथ काव्य भी लिखते हैं और दर्शन भी रचते हैं। उत्पल देव उस परंपरा के बड़े दार्शनिक हैं और उन्होंने अनेक स्तोत्र रचे थे। उन्होंने कभी संकलित करने का प्रयास नहीं किया, कागज पर लिख लें उनको पोथी बना लें ऐसा प्रयास नहीं किया। छपाई तो उस समय होती नहीं थी, ये नवीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। तो जो कह देते थे उसको उनके शिष्य कभी याद करके नोट कर लेते थे। तो उनके शिष्यों में ये बताया जाता है, क्षेमराज अपनी विवृति में बताते हैं कि श्रीराम, आदित्यराज और विश्वावर्त, इन तीन शिष्यों ने उनके मुंह से सुने हुए उनके रचे स्तोत्रों का संकलन किया। 20 स्तोत्र इस तरह से इकट्ठे हुए और वो उत्पल देव की स्तोत्रावली बाद में मिलती है। अब उसका प्रकाशन भी हुआ, जब छपाई शुरू हो गई। तो ये जो स्तोत्र हैं ये उत्पल देव के, इनमें वो क्या कह रहे हैं, कुछ उसके नमूने हम लेकर के और बात करेंगे। आत्मा मम भगवत भक्ति सुधा पान युवा पिसन, लोक यात्रा रजो रागात पलितैरिव धूसरः। कहते हैं कि आत्मा मम, मेरा आत्मा
भगवत भक्ति सुधा पान युवा पिसन, भगवत भक्ति की सुधा को पी करके युवा होता हुआ भी, लोक यात्रा रजो रागात पलितैरिव धूसरः। लोक यात्रा जो रोजमर्रा का जीवन है, संसार की यात्रा है, उसके रजो राग से, उसमें जो राजस गुण है, सत्व रजस और तमस तीन गुण हैं, तो लोक यात्रा में जो संसार में जो रजो गुण है, उसके राग से, उसकी आसक्ति से लिप्त होने के कारण एक अर्थ तो यह हुआ, लोक यात्रा में जो रजस धूल को कहते हैं। तो संसार में हम यात्रा करते हैं, किसी वाहन पर जाते हैं, धूल उड़ती है, भूरे रंग की लाल रंग की धूल उड़ती है, वो माथे पर बालों में लिपट जाती है, तो बाल भूरे से दिखाई पड़ते हैं। तो लोक यात्रा के रजो राग से पलित हुए केशों वाला धूसर भी मानो मेरा आत्मा है, ऐसा कहते हैं। विरोधाभास अलंकार है कि जो मेरा आत्मा भगवत भक्ति की सुधा के पान से चिर युवा बना हुआ है, वही लोक यात्रा के रजो राग से पलित भूरे सफेद केशों वाला होकर दूसरित भी दिखाई पड़ता है, गोया के या जैसे, ऐसा कहते हैं। ईव लगाया है तो गोया के या जैसे की वह कुछ दूसर भी है, ऐसा कहते हैं। युवा होकर भी श्वेत केशों के कारण धूसर मेरा आत्मा है, ऐसा कहने से विरोध अलंकार हो जाए, विरोधाभास होता है और श्लेष उसमें साथ में संवलित है। लोक यात्रा रजो राग में श्लेष अलंकार है। रजस का अर्थ रजोगुण भी है, धूल भी है, राग का अर्थ आसक्ति भी है और लाल रंग भी है, तो श्लेष उपमा गर्भित भी हो जाता है। जिस तरह से संसार में धूल में लिपट करके कोई व्यक्ति मलिन हो जाता है, उसी तरह से संसार का जो रजो राग है, रजो गुण है और आसक्ति है, उसके कारण उससे मेरा आत्मा पलितेरी व धूसरा दिखाई पड़ता है, जैसे आत्मा मेरा वृद्ध सा दिखाई पड़ता है। सचमुच में वृद्ध नहीं है, सचमुच में आत्मा बूढ़ा होता नहीं। तो यह उपमा भी व्यंजित होती है कि जैसे संसार में रजो राग से धूसर होकर के कोई व्यक्ति वृद्ध मलिन दिखाई पड़ता है, वैसे ही लोक यात्रा के रजोगुण के राग से मेरा आत्मा वृद्ध सा दिखाई पड़ता है। सचमुच में आत्मा वृद्ध नहीं है, ऐसा क्योंकि ईव लगा हुआ है इसलिए विरोध का परिहार भी हो जाता है। 10 प्रकार के विरोधाभास या विरोध अलंकार बताए गए हैं मम्मट ने काव्य प्रकाश में। जाति गुण क्रिया और द्रव्य, चार जो कोटियां हैं अर्थ की, उनमें परस्पर विरोध होता है तो 10 भेद बनते हैं। तो यहाँ यौवन गुण है, वार्धक्य गुण है, एक ही आश्रय में परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया गया है, उसी आत्मा में यौवन, उसी आत्मा में वार्धक्य, इसलिए विरोध अलंकार हो जाता है और विरोध का परिहार भी उसके साथ होता है, और शब्द श्लेष के साथ उपमा। इस तरह से अलंकारों की छटाएं बनती हैं, लेकिन वे सभी जिन जिन ऊंचाइयों पर चेतना पहुंच रही है उसके अलंकार हैं, तो इसलिए विरोध अलंकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो परम सत्ता का अनुभव है उसको अन्य किसी भाषा से बताना कठिन है, विरोधाभासी भाषा में ही उसका कथन हो सकता है। उपनिषद जैसा कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है उसमें पूर्ण जोड़ते हैं तो पूर्ण बना रहता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल देते हैं तो पूर्ण बना रहता है, और जैसा गणित में माना जाता है कि शून्य में शून्य जोड़ोगे तब भी शून्य रहेगा, शून्य में से शून्य निकालोगे तब भी शून्य रहेगा। इन्फिनिटी एलजब्रा में हमको बताया जाता था, तो इन्फिनिटी में से कुछ निकालेंगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तब भी इन्फिनिटी ही रहेगा। तो जो अनंत है उसमें न घट कुछ सकता है न कुछ बढ़ सकता है, ये विरोधाभास है कि उसमें से निकालोगे तब भी उतना ही, उसमें से कुछ जोड़ोगे तब भी उतना ही, इसी तरह से कथन हो सकता है। तदेजति तद नेजति तद दूरे तदंतिके, वह मेरे पास है मुझसे बहुत दूर भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः, वही सबके भीतर भी वही बाहर भी, तो इसी भाषा में विरोध के द्वारा कथन उसका हो सकता है। अगला पद्य है उत्पल देव का, जयंती भक्ति पीयूष रसा सव वरोन्मदाः।
अद्वितीया अपि सदा त्वद्वितीया अपि प्रभु। शिव से कहते हैं कि भक्ति पीयूष रसा सवोन्मदाह जयंती, भक्ति के अमृत का आसव जिन्होंने पी लिया है, उसको पीकर जो उन्मद हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं, ऐसे उन लोगों की जय हो, उन भक्तों की जय हो जो कि अद्वितीय होकर भी सदा त्वद्वितीय रहते हैं। बहुत सरल भाषा में कहा लेकिन विरोधाभास, उसी तरह से अद्वितीय होकर के भी वो त्वद्वितीय, तुमसे द्वितीय हैं, तुम्हारे साथ बने रहने के कारण त्वद्वितीय हैं। तो अद्वितीय होकर के भी द्वितीय हैं, ऐसा कहने से विरोध हो जाता है। एक ही पदार्थ को अद्वितीय और त्वद्वितीय कहने से एक ही आशय में परस्पर विरोधी अद्वितीयत्व त्वद्वितीयत्व दो गुण बता दिए गए, इसलिए विरोधाभास अलंकार होता है। भक्ति पीयूष रसासव, इसमें रूपक अलंकार भी आता है। तो रूपक और विरोधाभास अलंकारों के द्वारा जो अद्वितीय अनुभव है, विलक्षण अनुभव है कि मैं अद्वितीय भी हूँ और शिव के साथ होने से शिवद्वितीय भी हूँ, शिव मेरे साथ मौजूद चूंकि है तो शिव का सहचर में हूँ, वो मेरे सहचर, इस तरह से शिवद्वितीय भी मैं हूँ और अद्वितीय मैं हूँ क्योंकि संसार से, सारी लोक यात्रा से परे मैं अपने आप में विलक्षण शिव सायुज्य को प्राप्त हुआ, ऐसा अनिर्वचनीय जो अद्वैत का अनुभव है, इसको कहना कठिन होता है भाषा से, इसलिए विरोधाभास और इस तरह के अलंकारों के द्वारा उसका अनुवचन किया जाता है। भक्ति विलास उनका जो स्तोत्र है उसके आठवें पद्य में उत्पल देव कहते हैं, नाथ वैद्य क्षय केन न दृश्योस्यस न दृश्योस्येकतः स्थितः, वैद्य वैदेहिक संक्षोभे व्यसि भक्तैः सुदर्शनः। वैद्य और वेद, ज्ञाता और ज्ञेय, प्रमाता और प्रमेय, ये सब अस्त हो जाते हैं, ये सभी निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं उस अनुभव में, तो कौन जानने वाला है, किसको जान रहा है, यही अलग अलग नहीं रह जाता। तो हे नाथ वैद्य क्षय केन न दृश्योस्येकत स्थितः, सारे वैद्य का, सारे ज्ञेय का क्षय हो जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर भी तुमको भक्त कैसे देखता रहता है, एकत स्थितः, तुम जो सामने खड़े हुए हो उसको हम कैसे देखते रहते हैं जबकि सारा ज्ञाता और ज्ञेय का भेद निरस्त हो चुका है। वैद्य वैदेहिक संक्षोभे प्यसि भक्तैः सुदर्शनः, वैद्य और वेद का संक्षोभ हो गया, संक्षोभ या गड्ढम गड्ढ हो गए, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों परस्पर गड्ढम गड्ढ हो चुके हैं, फिर भी तुम सुदर्शन सुदृश्य रूप में सामने मौजूद हो। ये हमको लग रहा है कि ज्ञाता और ज्ञेय सब गड्ढमड्ढ हमारे भीतर हो गए, फिर भी सामने हम तुमको देख रहे हैं क्योंकि तुम में हम और हम में तुम इस प्रकार से अनुभव करते हैं, तो साक्षात्कार हम तुम्हारा इस तरह से कर रहे हैं, ये वो कहते हैं। यह एक आगे चलकर के जो ब्रह्मांडीय बिंब विधान आता है इस तरह की कविता में, उसको स्वात्म परिभावन स्तोत्र है उत्पल देव का, उसमें वो कहते हैं, विश्वेंधन महाक्षारा अनुलेप शुचि वर्चसे महानलाय भवते विश्वैक हविषे नमः। विश्वेंधन महाक्षारानुलेप शुचि वर्चसे, चतुर्थी विभक्ति में यह इतना एक विशेषण शिव का है, वो महानलाय विश्वैक हविषे, ये दो विशेषण और हैं, तीन विशेषण शिव के लिए पूरे पद्य में, तीन विशेषणों के द्वारा शिव का कथन है और ऐसे तुमको नमन है, ऐसा कहते हैं। तो विश्वेंधन महाक्षारानुलेप शुचि वर्चसे, विश्वरूपी ईंधन के जलने से निर्मित राख को लपेट कर, जो उसको लपेट कर भी जो शुचि या पावन देह वाले हैं ऐसे शिव। विश्वेंधन, सारा जो ब्रह्मांड है वो जैसे ईंधन है, वह उनके लिए फ्यूएल बन गया है और वह महानल है, वो उसको जला डालते हैं, समस्त निखिल ब्रह्मांड को ईंधन बनाकर महानल रूपी जो शिव उसको जलाकर राख कर देते हैं, उसी राख को लपेटे हुए जो परम शुचि बने रहते हैं, ये कहा है। तो इतना विस्तार है कल्पना का, विराट रूप जो शंकर का है उसको बताने के लिए कि सारी यूनिवर्स, निखिल ब्रह्मांड ईंधन और
उसको महानल के रूप में जलाने वाले शिव उसी की उसको राख कर देने के बाद उसी राख को अपनी काया में लपेटते हैं। ऐसे महानल या शंकर जिनमें कि सारा विश्व एक आहुति बन गया है, तो विश्वैक हविषे सारा ब्रह्मांड ही उनकी एक आहुति बन गया है। एक आहुति उस महानल के भीतर जाकर के और वह जल कर राख होता है। ऐसे महानल और विश्वैक हविष रूप तुमको मैं नमन करता हूँ। स्वात्म परिभावन स्तोत्र इसको नाम दिया है कि अपनी आत्मा को ही इस रूप में देखता है कवि, कि मेरी आत्मा की मेरी आत्मा के महानल में सारा निखिल ब्रह्मांड आहुति बनकर के जल रहा है और उसकी राख मेरी सारी काया में तदनुसार तदनुरूप शिव में इस रूप में स्वयं को देखता है, आत्म परिभावन करता है। तो शिव को ऐसा महानल या विराट अग्नि कवि बताता है जिसमें सारा विश्व आहुति बनकर के राख होता है। महानल महासिंधु ये रूपक अलंकार हैं, शिव ही महानल हैं, शिव ही महासागर हैं और परम शिव की व्यंजना विरोध और रूपक अलंकारों के द्वारा करता है, क्योंकि उस राख को लपेट करके भी जो परम शुचि बने रहते हैं इसमें विरोध है और शिव हैं इसलिए उनके लिए सारे विरोध उन्हीं में लीन हो जाते हैं। और व्यतिरेक अलंकार भी इसमें है क्योंकि महानल कहते हैं, विश्वई कहवी कहते हैं और विश्वेंदन महाक्षारानुलेप शुचि वर्चस कहते हैं, तो सब कुछ विराट रूप में है, महानल है, महाक्षारानुलेपन है। तो संसार के जो सारा रोजमर्रा का जीवन है, मुंडेन जीवन जो है, साधारण जीवन जो है, उससे बहुत ऊपर जाकर के सब कुछ असामान्य असाधारण जहाँ होता है तो उससे यह बहुत व्यतिरिक्त है। ऐसा चूंकि अर्थ ध्वनित होता है इसलिए व्यतिरेक अलंकार है और परिकर अलंकार भी है क्योंकि महानल महाक्षार ये इनके द्वारा जो तीन विशेषण बनाए शिव के लिए, विश्वेंदन महाक्षारानुलेप शुचि वर्चस महानल और विश्वैक हविष, इन तीन विशेषणों के द्वारा साभिप्राय विशेषण जहाँ होते हैं वहाँ परिकर अलंकार होता है, तो परिकर अलंकार भी होता है। अतिशयोक्ति रुदात्त अलंकार इसमें स्वतः खींच करके आ जाते हैं क्योंकि बहुत असामान्य असाधारण विराट स्वरूप उन्मिलित होता है तो अतिशय का तत्व उसमें गुथ करके आ जाता है और उदात्त भाव भूमि पर काव्य आरूढ़ होता है। जितना जो कुछ भी सामान्य है बहुत रोजमर्रा का है उससे बहुत ऊंचाइयों पर जाकर के जीवन को उन्मिलित करता है, सूफी भाव में एक तरह से स्थित होकर के कवि, तो उदात्त भूमि होने से उदात्त अलंकार भी होता है। तो हम देखते हैं कि रूपक है, परिकर अलंकार है, अतिशयोक्ति है, उदात्त अलंकार है, ये अलंकार इस कविता में स्वतः पिरो जाते हैं। सहस्र सूर्य किरणा धिक शुद्ध प्रकाश शवान, सहस्र सूर्य किरणाधिक शुद्ध प्रकाशवान अपित्वम सर्व भुवन व्यापकोपि न दृश्यसे। सहस्र सूर्यों की जितनी किरणें हो सकती हैं उनसे भी अधिक शुद्ध उज्जवल प्रकाशवान तुम सर्वभुवन व्यापकोपि, सारे भुवनों में छाए हुए तुम ही तुम, फिर भी तुम दिखाई नहीं देते। इसमें फिर विरोध है, विरोधाभास अलंकार है और अतिशयोक्ति भी है, व्यतिरेक भी है। गीता में कहा कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उपस्थिता यदि भा तत्सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिन में सहस्रों सहस्रों सूर्य एक साथ इकट्ठे होकर के चमक उठें तो उनकी जो आभा होगी उसके जैसी, उनकी आभा के जैसी उन सूर्यों की, हजार हजार सूर्य जो चमकेंगे उनकी आभा कुछ होगी, प्रत्युपमा देता है। उसी तरह से यहाँ कहता है कवि कि सहस्र सूर्य किरणा अधिक शुद्ध प्रकाशवान आप हैं, यह एक विशेषण है। हजार हजार सूर्य एक साथ चमक उठते हैं तब उनसे भी अधिक चमक वाले आप, सारे भुवन में इसी उज्ज्वल
तेजस्वी भास्व रूप में आप पिरोए हुए समाये हुए हैं, फिर भी आप दिखाई नहीं देते क्योंकि अमूर्त हैं, मूर्ति उनकी नहीं है। यह जो दर्शन का तत्व है उसको भी बताते हैं। तटेष्वेव परिभ्रांतैः लब्धास्तास्ता विभूतयः यस्य तस्मै नमस्तुभ्यम् अगाध हर सिंधवे। उत्पल देव कहते हैं अपनी स्तोत्रावली में कि अगाध हर सिंधु जो है, ऐसे अगाध महासागर रूप शिव को हम नमन करते हैं जिनके तटेषु एव परिभ्रांतैः लब्धास्तास्ता विभूतयः, जिसके किनारे किनारे घूमकर ही लोगों ने विभूतियां तरह तरह की प्राप्त कर ली। ऐसा जो महासागर शिव चैतन्य रूप है उसको मैं नमन करता हूं। यहां भी रूपक अलंकार है, शिव महासागर है ऐसा रूपक रचने के कारण, और विराट स्वरूप जो है उसका उन्मिलित होता है चेतना का, इसलिए उदात्त अलंकार भी है। तो यहाँ हमेशा एक तरह का कॉन्फ्लुएंस, जो गड्ढमड्ढ होना है भावों का उस अद्वितीय अनिर्वचनीय अनुभव में, उसको कवि कहता है, एक राग रस बनाता है कवि शैवाद्वैत में जो अनुभव है उसका, उसी को उत्पल देव इसी तरह से कहते हैं। त्वच्चिदानंद जलधेश च्युता संवित्ति विप्रुषः इमा कथम में भगवन नामृता स्वाद सुंदरा। आप जो चैतन्य के महासागर हैं, उससे झलकते हुए जो चेतना के बूंदे हैं, संवित्ति विप्रुष हैं, विप्रुष छोटी सी बूंद को कहते हैं, चिदानंद महासागर उछाल भर रहा है, उससे चेतना की कुछ बूंदे जो ऊपर झलकती हैं हम लोगों के लिए, उन्हीं को देख करके हम अमृतास्वाद सुंदरा, अमृतास्वाद सुंदर वे बूंदे हमको प्रतीत होती हैं, वे संवित्ति की बूंदे हैं। त्वयि राग रसे नाथ न मग्नम हृदयम प्रभो येषाम येषाम हृदये एव ते वाग्य पदम ईदृशाः। हे नाथ, तुम्हारे राग रस में जिनका हृदय मग्न नहीं हुआ वे अहृदय ही बने रहे। येषाम हृदया एव ते वाग्य पदम ईदृशाः, या वे अज्ञता में अपने सीमित रह गए। इस तरह के तेज राग रस अद्वैत के बोध में बनता है, वह कहीं कहीं हजरत जलालुद्दीन रूमी की फारसी कविता में आता है, अमीर खुसरो की फारसी कविता में आता है, संस्कृत कविता शिवाद्वैत के उस अनुभव के राग रस को रचती है। उत्पल देव के शिष्यानुशिष्य हुए अभिनव गुप्त, उनके शिष्य हुए मधुराज योगी, 10वीं-11वीं शताब्दी में मधुराज योगी कर्नाटक से पैदल चलकर, बहुत बूढ़े थे उस स्थिति में, पैदल चलकर अभिनव गुप्त की शिष्यता ग्रहण करने आए थे। अभिनव गुप्त शायद उनसे छोटे ही रहे होंगे आयु में। तो ये दार्शनिक और ये ऐसे बड़े ऋषि हुए जिनकी तरफ सारा भारत उस समय देखता था, लोग उनके पास जाते थे, वो किसी से शास्त्रार्थ करने नहीं जाते थे, वो स्वयं आकर्षण थे, लोग उनकी तरफ आते थे। मधुराज योगी ने अभिनवगुप्त पर सुंदर स्तोत्र लिखा और उत्पल देव की जो स्तोत्रावली है उस पर उन्होंने एक पद्य लिखा है। संत्येव सूक्ति सरितः परितः सहस्रा स्तोत्रावली सुरसरित सदृशी न काचित या कर्ण तीर्थ अतिशय्य पुनाति पुंसः श्रीकंठ नाथ नगरी मुपकंठयन्ति। कहते हैं कि सहस्रों सूक्ति सरिताएं बह रही हैं वांग्मय के महासागर में मिलती हैं, हजारों हजारों स्तोत्र रचे कवियों ने, उनकी सरिताएं बहा दी, वो सभी वांग्मय महार्णव में जाकर मिले, लेकिन स्तोत्रावली सुरसरित सदृशी न काचित। सुरसरिता जैसी स्तोत्रावली उत्पल देव की जो है वैसी कोई स्तोत्र सरिता नहीं। स्तोत्रों की हजार हजार नदियां हैं, पर जो स्तोत्र गंगा उत्पल देव की स्तोत्रावली है वैसी दूसरी नहीं।
या कर्ण तीर्थम अतिशय्य पुनाति पुंसः, जो कर्ण के तीर्थ तक पहुंचकर और श्रीकंठ नाथ नगरी उपकंठयंती, श्रीकंठ नाथ की नगरी के उपकंठ पहुंचाती हुई, उपकंठ समीप को कहते हैं, श्रीकंठ शिव को कहते हैं। तो इसमें यमक अलंकार गूंथ दिया है, श्लेष भी रच दिया है, प्रशस्ति की है उत्पल देव की स्तोत्रावली की। लेकिन उसको पढ़कर के जो अनुभव हुआ उसको बताते हुए उसी तरह से मगन होते हैं मधुराज योगी भी। तो कर्ण तीर्थ तक पहुंच करके, और कर्ण तीर्थ तीर्थ स्थान का नाम भी है, कर्ण तीर्थ कान रूपी तीर्थ तक पहुंच करके वह हमको श्रीकंठनाथ नगरी के उपकंठ या निकट पहुंचा देती है, ऐसा मधुराज योगी कहते हैं। एक और कवि स्तोत्र काव्य के कुछ अनोखे रचनाकार जो थे वो 17वीं-18वीं शताब्दी में, बहुत बाद में हम देखते हैं, उत्पल देव तो 8वीं-9वीं शताब्दी, मधुराज योगी 11वीं शताब्दी, अभिनवगुप्त भी बहुत बड़े स्तोत्रकार हैं, उन पर पृथक से कभी चर्चा यथा समय करेंगे। उसके 1000 साल बाद करीब महामहोपाध्याय गोकुलनाथ मिथिला के एक कवि हुए, उन्होंने शिव शतकम लिखा है, 17वीं-18वीं शताब्दी के ये कवि थे। उसमें जिस तरह की कॉस्मिक इमेजरी आती है, शिव का जो ब्रह्मांडीय स्वरूप है उसको गोकुलनाथ, उत्पल देव और अभिनवगुप्त और भट्टनारायण के बाद उतनी ही ऊर्जा के साथ में, उतनी ही चेतना की ऊंचाइयों का आरोहण करते हुए उन्मिलित करते हैं। इस तरह की जो कॉस्मिक इमेजरी है ये कम आई, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी में कुछ आती है, वो सूर्य और चंद्रमा देवी के दो वक्षोज बन जाते हैं, और वहंती सिंदूरम प्रबल कबरी भारती मृत्युषाम वृंदैर वंदी कृतमय नवीनार्क किरणम, जो सीमंत की सिंदूर रेखा देवी की है वो सूर्य की किरणें एक तरह से हैं। यह एक पूरा कॉस्मोस में जो दिव्य चैतन्य है उसका साक्षात्कार कवि करता है, पर बहुत विराट स्वरूप जो निखिल ब्रह्मांड में परिव्याप्त है और ब्रह्मांड उसमें सिमट जाता है उसका साक्षात्कार इस शैवाद्वैत में कवि कुछ करते हैं। उनमें से शिव शतक के रचनाकार गोकुलनाथ भी हैं, तो उनके शिव शतक के कुछ पद्य हम लेकर के समाप्त करेंगे इस चर्चा को। वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु, बहुतर जगदंड बीज पूर प्रसव फले ग्रही पाद पाय तुभ्यम। शिव जो है वह पादप या वृक्ष हैं, ये जटिल बिंब विधान है और दो ही शब्द हैं। वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर वेष्टित मूर्ति, यह एक शब्द, और बहुतर जगदंड बीज पूर प्रसव फले ग्रही पादप, ये दूसरा शब्द। दो शब्दों में पूरे पद्य में शिव का वर्णन किया है, दोनों शब्दों को चतुर्थी विभक्ति में कर दिया और नमः जोड़ दिया, तो ऐसे शिव को नमस्कार है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि शिव ऐसे वृक्ष हैं जिसमें लगे फलों के सारे ब्रह्मांडों के बीज, उसमें जिसमें लगे हुए फलों में सारे ब्रह्मांडों के बीज निकलते हैं, ऐसा महावृक्ष जिसके फलों के भीतर बीज हैं सारे ब्रह्मांडों के। एक ब्रह्मांड नहीं है, एक गैलेक्सी नहीं है, लाखों गैलेक्सीज हैं। एक आकाशगंगा हमको दिखाती है, वैसी अनंत आकाशगंगाएं हैं। अब तो विज्ञान भी यह बताता है कि कितना अनंत फैलाव इस यूनिवर्स का है, उसको कल्पनातीत है कि जितना आकाश हम खाली जगह अपने आसपास देखते हैं वो कितनी फैली हुई है, इसी की कल्पना हम नहीं कर पाते कि आकाश कितना फैला हुआ है। जितनी ऊंचाइयों तक हम देखते हैं देख पाते हैं, उसके आगे हरा हरा सा हमको दिखाई देता है, वह तो आकाश नहीं है, वह तो हमारी आंखों की सीमा है कि हरा रंग या आसमानी रंग दिखाई पड़ता है। तो जो स्पेस है यह तो अनंत अनंत है, उसमें अनंत अनंत गैलेक्सीज अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और ये जो परात्पर परम पुरुष है वह एक ऐसा वृक्ष है जिसके फलों में उन सारे अनंत ब्रह्मांडों के बीज बनते हैं। तो बहुतर जगदंड बीज पूरा प्रसव फले ग्रही पाद पाद पाय, ऐसा कहा, जगतों के जितने संसारों के ब्रह्मांडों के जितने बीज पूर हैं
उनको प्रसूत करने वाले फल जिसमें लगे हुए हैं ऐसे महावृक्ष आप हैं। तो कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है इसकी, ये कल्पनातीत है। इतनी ऊंचाइयों पर जाकर के और कल्पना को इतना ऊंचाइयों पर ले जाना, यह कवि के लिए ही संभव हो सकता है। तो ऐसे शिव और वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर वेष्टित मूर्ति, ऐसे वृक्ष हैं जिनसे कि अनंत अनंत जो संप्रदाय हैं वो उस वृक्ष की शाखाएं, शिव रूपी उस वृक्ष की शाखाएं मात्र वे हैं, जिनकी शाखाएं विविध संप्रदायों के रूप में निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जितनी विचारधाराएं शाखाएं संप्रदाय वो सब उसकी शाखाएं बनती हैं, ऐसा कहते हैं। अविरत परिवृत्त दंड काष्ठा कुल मतुल व्यतिवर्त मान वेगम, एक शब्द में शिव का वर्णन किया। भ्रमयसी जगदंड गोलमाला कलश कुलाप कुलाल काल चक्रम, क्या तो फड़कती हुई शब्दावली भी है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है, लेकिन इतना ही नहीं है। वो सारे अलंकार तो उस सारी कॉस्मिक इमेजरी के लिए उपकरण बन जाते हैं। तो कहते हैं कि अविरत परिवृत्त दंड काष्ठा कुल मतुल व्यतिवर्त मान वेगम, ब्रह्मांड के जो मंडल हैं वो छोटे छोटे घड़े हैं, निखिल ब्रह्मांड के जो जितनी भी जो गैलेक्सीज हैं वो जैसे कलश समूह है इस सारे ब्रह्मांड में, और छोटे छोटे घट हैं, और तुम कुम्हार बनकर अतुलित वेग से काल चक्र को घुमा देते हो। ये कल्पना की गई है कि शंकर ऐसे महासृष्टा हैं, महाकुलाल हैं वो, जिन्होंने काल चक्र को घुमा दिया है। कुम्हार जैसे अपना चका घुमाता है तो अपने दंड काष्ठ से काल चक्र को घुमा देते हैं। दंड काष्ठ किससे बना है, काष्ठा में श्लेष हो जाता है, काष्ठा दिशा को भी कहते हैं। तो दिशाओं के बने जो स्पेस है वही दंड बन जाता है। तो स्पेस और टाइम, काल, तो जो दिक स्पेस है उसी को उसी को दंड बना करके काल चक्र को जो तुम घुमा देते हो, टाइम और स्पेस से जो सृष्टि का चक्र तुम घुमा देते हो, उसके लिए इमेजरी लाई गई कि जैसे कुम्हार एक डंडे से अपने चके को घुमाता है, उसी तरह से इस विराट काल चक्र को तुम दिक के दंड से दिशाओं को दंड बना करके और घुमा देते हो। तो उससे फिर बनते जाते हैं कई कई घड़े, जैसे कुम्हार मिट्टी का लोंदा घड़े मिट्टी का लोंदा चके पर रख करके और हाथ से छूता भर है और घड़ा उभर आता है, घड़े का आकार बन जाता है। वह अपने डंडे से चक्र को एक बार चला देता है, घुमा देता है तेजी से, और उस पर मिट्टी का लोंदा जो रखा हुआ है वह कुछ ही क्षणों में घट बन जाता है। उसी तरह से तुम इन अनंत ब्रह्मांडों के कई कई अनंत कलशों को रच करके और फेंकते चले जाते हो। ऐसे अद्भुत अनोखे कुलाल तुम हो, ऐसा शिव के लिए कहा। तो ब्रह्मांड के मंडल अनंत कलशों के समूह हैं, उनको तुम कुम्हार बनकर अतुलित वेग से काल चक्र को अपने दिक काष्ठ से दंड काष्ठा से घुमा देते हो, और दिशाएं उससे आकुल होकर के चक्कर काटती हैं। तो दंड काष्ठा कुल मतुल व्यतिमान व्यतिवर्तमान वेगम, ऐसा वर्णन उससे किया। तो ये जो एक पूरा विज्ञान है कॉस्मोस का कि सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है, वही तो शिव का तांडव ही बताया जाता है। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, निरंतर घूम रहे हैं। तो शिव ऐसे महाकुलाल हैं, महान कुम्हार हैं, जिन्होंने की दिशाओं को दिशाओं को दंड बना करके और काल चक्र को घुमा करके और अनंत अनंत ब्रह्मांड कलशों को निकाल निकाल करके उससे बना बना करके घुमा दिया है। वो घूम रहे हैं इस रूप में, जो ये जो एक पूरे कॉस्मोस की कल्पना है उसको कविता की भाषा में टाइम और स्पेस के जो कॉन्सेप्ट से उनको गूंथता हुआ कवि कहता है। भुवन पुट कुटीर हट्ट यंत्र भ्रमण सह ध्रुव तर्कुत क्रमेण सृजसी समय सूत्र मत्र माया मय पटवान विधान तंतु आया। कैसे इस तरह की इमेजरी
ये जो बिंबों की श्रृंखला है फूटती है, जो कवि अनुभव करता है स्वयं दर्शन के उस तत्व को, शिव के साक्षात्कार के उस तत्व को, उसके भीतर से फूट सकती है इस तरह की। तो कहते हैं कि भुवनपुट कुटीर हट्ट यंत्र भ्रमण स ध्रुव तर्कुत क्रमेण। तुम क्या करते हो कि तुम ऐसे विराट जुलाहे हो, तंतुआय हो, कि तुम मायामय वस्त्रों के बुनने का विधान करते हो। तो भुवनों के कुटीरों में तुमने यंत्र लगा दिए हैं, अनंत अनंत असंख्य यंत्र तुमने लगा दिए हैं, जिनमें कि ध्रुरूपी तर्कु, तर्कु तकली को कहते हैं, तो ध्रुरूपी तर्कु से, तकली से समय के सूत्र या धागों को तुम निकालते चले जा रहे हो। उन भुवन कुटीरों में लगे हुए करघों से समय की तकली घुमाकर, उन करघों पर समय की तकली, ध्रुव की तकली घुमाकर समय के सूत्र जो तुम काटते चले जा रहे हो, उससे एक अनंत मायामय पट तुम बनाते चले जा रहे हो। सारा जो संसार है वो तुम्हारी माया से रचा हुआ पट है, उसको तुम अगणित हट्ट यंत्रों में ध्रुव तर्क को घुमा करके समय के सूत्र कात कात करके और बुनते चले जा रहे हो। ऐसे अनोखे तंतुवाय तुम हो। ये थोड़ी जटिल कल्पना शिव का जो कॉस्मिक या वैश्विक स्वरूप है उसको बताने के लिए कवि ने की है। और आदमी कितना नगण्य हो जाता है उस अनंत ब्रह्मांड के महाविस्तार में, तो उसको बताते हुए कवि कहता है, बहुतर जगदंड भार भरतुर नहीं मेहमान महम तवावयामी, बहुतर जगदंड भार भरतुर नहीं मेहमान महम तवावयामी, मशक इव शलाटु गर्भ जन्म पिटप बृहत्व मुदुम्बुरस्य। जगदंड या ब्रह्मांड के भार को वहन करने वाले तुम्हारी महिमा को, नहीं अहम अवयामी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझ सकता हूं, ऐसे ऐसे विराट ब्रह्मांड को जो तुम उठाए हुए हो, उसको मैं उसी तरह से नहीं समझ सकता जैसे कि मशक इव शलाटु गर्भ जन्मा पिटप बृहत्तम उदुम्बरस्य। उदुम्बर या गुलर के पेड़ में लगे हुए असंख्य फलों में से किसी एक फल के भीतर जन्मा हुआ कोई कीटाणु छोटा सा, वह उस उदुम्बर के अनंत विस्तार की कल्पना ही नहीं कर सकता। वो उस अनंत फलों के बीच में किसी एक फल के भीतर जन्मा हुआ एक छोटा सा अणुमात्र कीट है, वह उस विश्व उदुम्बर के, इस ब्रह्मांड रूपी महा उदुम्बर के, शिव रूपी महा उदुम्बर में जो अनंत अनंत उदुम्बर के ब्रह्मांड रूपी फल लगे हुए हैं, उन सब की कल्पना कैसे कर सकता है, ऐसा वह कवि कहता है। विकीरति परितो घनावलीव श्रुतिरमृतानि तवाशयादुदस्य, विलय मयमुपैति चित समुद्र त्वयि जगतो निगमस्य चित प्रवाह। फिर से वो महासागर जो विराट सागर है चैतन्य का, उसका रूपक रचते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे चैतन्य के महासागर हो जिसकी घनावली श्रुतियां बन जाती हैं, जिसको सोख करके जो मेघ बनते हैं, तुम्हारे भीतर से आशय में भी श्लेष हो जाता है, आशय उसकी जो गहराइयां हैं उनकी थाह लेकर उनको सोख करके जो मेघ बनते हैं, आशय अभिप्राय और आशय सागर की गहराई, तो उनसे जो सोख करके उनके आशय को लेकर के जो मेघ बनते हैं वही श्रुतियों का अमृत है, उसको श्रुतियां या वेद वर्षा उसकी करते हैं और वो वर्षा फिर से तुम्हें में समा जाती है। विलय मय उपेति चित समुद्र त्वयि जगतो निगमस्य चित प्रवाह। वह निगम का जो चैतन्य प्रवाह है वह भी अपनी वर्षा करके तुम्ही में फिर विलीन होता है। ऐसे चैतन्य के महासागर का रूप यहाँ रचा गया है, जिनके आशय को सोख करके
सारे ज्ञान के महामेघ बनते हैं और वो जब बरसते हैं तो फिर उसी चैतन्य के महासागर में सारी वर्षा से बनी हुई चैतन्य की नदियां भी उसी में समाती हैं। तो इस तरह से शंकर का वर्णन विराट चैतन्य सागर के रूप में कवि यहां करता है और शिव का महाकाल के रूप में वर्णन भी गोकुलनाथ इसमें करते हैं। प्रतिग्रह मतिथिर ग्रहित दंडो धृत जगदंड कमंडलु प्रकांड भुवन वहन पात्र मात्र शेषम सतर्णमिदम जगदत्ति काल भिक्षु। ब्रह्मांड एक कमंडलु है जिसे हाथ में उठाकर दंड हाथ में लिए हुए काल रूपी भिक्षुक घर घर में अतिथि बनकर पहुंच जाता है। सारे भुवन को एक अपना एक पात्र बनाकर जो निखिल ब्रह्मांड है वह उसका एक खप्पर भर है और उसको हाथ में उठाए हुए शंकर जो काल भिक्षुक के रूप में महाकाल रूपी भिक्षुक के रूप में घूम रहे हैं वो उस अपने खप्पर में ब्रह्मांड रूपी अपने कमंडलु में अनंत अनंत जो जीव हैं उनको उठा उठा करके समेटते चले जा रहे हैं। ये जो प्रलय की लीला है उसका वर्णन जो महालय होता है उसका वर्णन कविता की भाषा में किया गया है। अंत में एक आधुनिक शिव स्तोत्र पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह सौभाग्य नूपुरम एक 21वीं शताब्दी में संस्कृत में महाकाव्य लिखा गया। उसके रचयिता उसका प्रणेता आपके सामने है। उसके 15वें सर्ग में 2 शिव स्तोत्र हैं। उसके पात्र चिदंबरपुर की यात्रा करते हैं। चिदंबर में जो शिव का मंदिर है उसमें जाते हैं। शिव के विग्रह को सामने देख करके उसमें से एक पात्र के भीतर से यह स्तोत्र फूटता है। तो यह स्तोत्र पढ़ता हूँ, दूसरा स्तोत्र उसका नहीं पढ़ूंगा। पंचचामर छंद में यह है जिसमें कि शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा गया है पर उस प्रकार का औद्धत्य और ऊर्जस्विता नहीं है। यदि भक्ति भावना समस्त भीति भंजनी नितांत शांतिदायिनी प्रकाम काम धायिनी। जिनकी भक्ति भावना समस्त भीति का भंजन करती है नितांत शांतिदायिनी है पूरी तरह कामनाओं को पूरा करती है। सुखम सुतोषदायिने तथा सुतोष संचिने न ते नमस्तकेन ते शिवाय मे नमो नमः। सुख के साथ संतोष देने वाले आशुतोष कहे जाने वाले उन्हीं शिव को नतमस्तक के साथ मेरा बार बार नमन हो। त्वमेव दर्पणो यतस्त्वमेव बिम्बताम गतः विधायते समर्पणम जन पृथंगते मतः। ये जो बिंब प्रतिबिंबवाद है शिव दर्शन में उसकी दार्शनिक अवधारणा को लेकर के यहाँ कहा गया है। त्वमेव दर्पणो यतस्त्वमेव बिम्बताम गतः। आप ही दर्पण है और आप ही उसके प्रतिबिंब भी हैं। बिंब भी आप ही, प्रतिबिंब भी आप ही। विधायते समर्पणम जनः पृथंगते मतः। जिन्होंने आप आत्मा अपने आत्मा को आपके लिए अर्पण कर दिया वो आपसे फिर अलग नहीं रह जाता, आपका ही प्रतिबिंब वह हो जाता है। सुखम विशीर्ण तांतवम प्रपन्न पाप पंकिलम चिदंबराय ते मया समर्पितम चिदंबरम। अपना पाप के पंख में लिथड़ा तार तार हो चुका चिदंबर, चित अंबर चेतना का कपड़ा, चित मतलब चेतना, अंबर मतलब कपड़ा, आप चिदंबर, चित मतलब चैतन्य और अंबर मतलब आकाश, चैतन्य के महाकाश रूपी शिव को मैंने अर्पित किया। सुखम विशीर्ण तांतवम प्रपन्न पाप पंकिलम चिदंबराय ते मया समर्पितम चिदंबरम। विशीर्ण तंतु जाल वाला प्रपन्न पाप पंकिल अपना चिदंबर चैतन्य का पुराना वस्त्र मैंने चिदंबर आपको अर्पित किया। अयम भवार्णवो भवत्वमेव चासित संततः तरंग एष एक चाहमस्मि तत्र चोत्थितः। अयम भवार्णवो भवत्वमेव चासि संततः तरंग एक एष चाहमस्मि तत्र चोत्थितः। हे भव या हे शिव, आप ही भवार्णव है, मैं इसमें उठी हुई एक तरंग मात्र हूँ। ये तो सरल है। व्रजामि तत्र वैलयम त्वदेक रूपताम गतः अहम तु बिन्दुरस्मि ते त्वमेष सागरायितः। आपसे एक रूप होकर मैं इसी भवार्णव में लीन होता हूँ, मैं एक बूंद हूँ, आप एक महासागर हैं। ससागरात् प्रजायते क्षणे क्षणे च भंगुरः तरंग एव सागरायते त्वसौ पुनः पुनः। तरंग सागर में ही जन्म लेती है। सागरात् ससागरात् प्रजायते प्रत्येक क्षण वह बिखर करके उसी में फिर
सिमट जाती है, लीन हो जाती है। तरंग एव सागर आये ते त्वसौ, पुनः पुनः वही तरंग जो है फिर सागर बनती है, बार बार सागर से उठ करके फिर सागर बनती है। ससागरात प्रजायते क्षणे क्षणे च भंगुर, तरंग एव सागर आयते त्वसौ पुनः पुनः। ऐसा जीव और ईश्वर के स्वरूप का तरंग और सागर के रूपक से वर्णन किया है। अंत में कहते हैं, मनस्तरंग निर्मिता च वैखरी परात्मिका, तवस्तुतिस्तवात्मिकाथ तुभ्यमेव सार्पिता। मन की तरंग से रची वैखरी वाणी रूपी परात्मिका का स्वरूप यह जो शिवस्तुति है, यह आपका ही रूप है। वाक भी शिव स्वरूप हो जाती है, शिव के लिए अर्पित हो करके। वाक या वाणी के जो चार स्तर हैं, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, उसमें वैखरी सबसे स्थूल स्तर है सुनाई देने वाला, वही परात्मिका हो जाती है, सबसे सूक्ष्म स्वरूप में फिर वह परिणत होती है, अंत में अनुभूति में वह परात्मिका होती है। उसी तरह आपकी यह स्तुति जो है अंत में शिव स्वरूप ही हो जाती है। परावाणी शिव का ही रूप है, वैखरी परा में ढल जाती है, जितनी स्तुतियां हैं वो शिव स्वरूप हो जाती हैं। ऐसी यह स्तुति आपके लिए, आपको अर्पित। शिवस्तुतिम शिवस्य वल्लभेन केनचित् कृताम, पठन्ति ये नराय इमाम प्रयान्ति तेऽपि धन्यताम। शिवस्य केनचित् वल्लभेन कृताम इमाम शिवस्तुतिम, ये नरा पठन्ति तेऽपि धन्यताम प्रयान्ति। सरल अन्वय है, सरल भाषा में शिव के किसी वल्लभ के द्वारा रची है स्तुति, जो लोग पढ़ते हैं वे भी धन्य होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।